आगे बढ़ेंगे जहां कर्नाटक का सियासी पारा हाई हो चला है। सत्ता के संग्राम के लिए नेता जद्दोजहद कर रहे हैं। इन सबके बीच जुबानी जंग भी जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी की तुलना सांप से कर डाली है। हालांकि बाद में खड़गे ने सफाई दी है। खड़गे के बयान पर सियासत जारी है। सवाल है कि कर्नाटक की लड़ाई जहर पर क्यों आई? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करते हैं। मोदी अंद्रे विषद हावितंगे ए विष अद इला नोड़ स्वल्प नेक् नोड़ नेक्री नेक्रु सत्ता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसी बीन बजाई है कि बड़े नेता बाहर आ गए और जमकर सियासी तीर छोड़ने लगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद देश का सियासी पारा हाई हो गया। सियासतदानों का बयान हम आपको सुनाएंगे, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष का वो बयान सुनिए जो उन्होंने कर्नाटक में चुनावी जनसभा के दौरान कहा। मोदी अंद्रे विषद हावितंगे ए विषय इला नोड़ स्वल्प नेक् नोड़ नेक्री नेक्रु सत्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस का हमला मानो बीजेपी और केंद्र सरकार को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। अब खड़गे जी को कांग्रेस ने अध्यक्ष तो बना ही दिया है, पार्टी के अंदर कोई मान नहीं रहा। पोस्टर बैनर अभी भी गांधी परिवार के ही लगते हैं, तो खड़गे जी सोचते मैं ऐसा कौन सा अपमानित करने वाला स्टेटमेंट मोदी जी को दूं जो सोनिया जी से ही भद्दा हो। कभी कोई कहता है मौत का सौदागर, कभी कोई कहता है नीच, कभी कोई कहता है बिच्छू, कभी कोई कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे इस भाषा का प्रयोग करती है कांग्रेस पार्टी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेस के नेताओं को, देश से माफी मांगनी चाहिए। जिस देश की जनता ने एक बार नहीं दो बार पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चुना, दुनिया भर में 3 साल से लगातार सर्वेक्षण हो रहे, सब सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी चुने जा रहे हैं। आप उनको सांप कहोगे, बिच्छू कहोगे, नीच कहोगे, कातिल कहोगे, कभी कुछ और कहोगे, कब्र खोदोगे। कांग्रेस वालों, जिसकी जो खोदोगे वो तुम्हारे लिए ही होने वाला है। तब उनको सुनने वाले नहीं है, ये उनको समझ में आ गया है, इसीलिए बोखलाहट में आज ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जिससे लोग को तो ये समझ में आ गए कि ये हारने के कगार में आने के बाद ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। इसीलिए कर्नाटका में कांग्रेस का हार तय हो गया है। आज कांग्रेस पार्टी अब अपने अंतिम दुर्दिनों को देख रही है। कांग्रेस पार्टी सी मतलब कांग्रेस, सी मतलब करप्शन। जहां जहां कांग्रेस है वहां वहां करप्शन अनिवार्य अपरिहार्य रूप से दिखाई पड़ा है। कांग्रेस पार्टी की शुरुआत के साथ ही आपको लगातार भ्रष्टाचार की घटनाएं दिखाई पड़ेंगी। जल थल और नभ तक कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार कर डाला है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी व्यर्थ का विलाप करके, अफवाहें फैला करके, रोज नई नई झूठी बातें फैलाने का काम कर रही है, लेकिन जनता इसीलिए कांग्रेस को लगातार नकारने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से व्याकुल है, परेशान है, और अकुलाहट व्याकुलाहट में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन देश इन अपशब्दों को स्वीकार नहीं करेगा, सहन नहीं करेगा। इन अपशब्दों पर वो जितनी वो बारिश करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का भरोसा, उनकी आस्था उनके प्रति और बढ़ती जाएगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी रसातल में चली जाएगी। जितना वो ज़्यादा प्रधानमंत्री जी के प्रति इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेंगे, उतना ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहरीले सांप वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से ये कभी नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी अदु वंदेनपा अंतंद्र हाँ इद्दंगे अदक्के नीवु हिंग स्वल्प एनु हेळ्तीरि नेक् नोड्तीनि अंतंद्रे अल्टिमेटली अदु डेत् अप्प अंत हेळिदरु। अवरिगे हेळिल्ल। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक बयान दिया है। कांग्रेस के नेताओं का इतिहास रहा है वह चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी करते हैं। हर चुनाव में पीएम मोदी और बीजेपी इस जुबानी हमले को अपने पक्ष में भुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।